तो बच्चों आप लोग 12 के बच्चे जो हैं वह थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर नंबर 4 पॉइंट नंबर 4 आप लोग पढ़ लिए और नोट्स भी उतार लिए होंगे। जहां प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। अब हम लोग पॉइंट नंबर 5 पढ़ेंगे। इसका नाम है रोड साइड स्टैंड। इसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रोड साइड स्टैंड का मतलब होता है रोड के किनारे एक छोटा सा दुकान। इसके कवि महोदय हैं जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये 1874 में जन्मे और 1963 में इनका देहावसान हुआ। ये अमेरिका के कवि रहे हैं, यानी कि अमेरिकी कवि हैं और अमेरिका में जो कुछ भी वहाँ की स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, उनके बारे में वो कविता को लिखते हैं। तो चूंकि कवि स्वयं गरीब हैं और गरीब होने के कारण वह गरीबी पर ही कविता लिखते हैं। अमेरिका में लोग सोचते हैं कि बहुत अमीरी है। लोग ऐसा सोचते हैं कि वहाँ पर जिसके पास 3-4 कारें हैं वही गरीब है, बाकी उससे अधिक वाले सब मत वहाँ समझिए कि 3-4 कार जिसके पास वो थोड़ा गरीब ही स्थिति में, बाकी लोग सब अमीर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के में जितनी गरीबी है उससे अधिक अमेरिका में भी है। वहाँ पर जो अमीर दिखता है या फिर अमीर देश कहलाता है तो गोरे लोगों की वजह से। वहाँ काले लोग, गोरे और काले का अभी भी भेद है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो गोरे लोगों में ही जो है अमीरी ज़्यादा है, जिसकी वजह से अमेरिका अमीर देश कहलाता है। अभी हाल में ही आप लोग अगर पेपर के टच में होंगे तो एक गोरा पुलिस जो है कि काले पुलिस काले व्यक्ति को मार दिया था, तो बहुत विद्रोह हो गया वहां पर। तो यह जो है ये कोरोना काल में आप लोग देखे भी होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़े हुए होंगे कि अमेरिका जैसे भी जो है कि लाचार पाया गया कोरोना को कंट्रोल करने में, जहाँ नंबर वन जो है कि मेडिकल सिस्टम है, फिर भी। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि वहां भी गरीबी निवास करता है, उसके बारे में कवि इस कविता में बताया है। तो आइए हम उसका सारांश हम आपको बताते हैं। गांव से कुछ लोग जो हैं शहर आए हैं पैसा कमाने के लिए। गांव में लोग समझते हैं कि शहर में बहुत पैसा है, जबकि हम लोग को भी जो है कमाना चाहिए। लेकिन शहर आ जाने के बाद यहाँ क्या स्थिति है तो आने के बाद ही पता चलता है। लेकिन एक भ्रम रहता है गांव वाले लोगों को कि शहर में बहुत पैसा है, तो इसीलिए लोग शहर की ओर भाग जाते हैं। तो उसी प्रकार से गांव के कुछ लोग आए हैं शहर में पैसा कमाने के लिए, तो ये लोग ठेला बनाया है। तो ठेला मान के चलिए कि जहाँ पहले से किसी का दुकान है उसके सामने अगर लगा दीजिएगा तो भगेबे करेगा, तो भगा दिया। तो लोग रोड के किनारे फुटपाथ पर ठेला लगा दिए, तो वहाँ भी पुलिस भगा देती है। पुलिस वहाँ पर उन्हीं लोगों को रहने देती है जो लोग पुलिस का हाथ गर्म करते हैं, और बाकी लोगों को जो है वहाँ से भगा देती है। तो ये लोगों को भगा दी क्योंकि लोगों के पास पैसा है नहीं, तो ये लोग पुलिस का हाथ गर्म कैसे कर पाएंगे। हाथ गर्म तो समझे बच्चों,
मतलब कि रिश्वत देना। तो ये लोग क्या करते हैं, क्या किए हैं कि जब पुलिस भी वहां से भगा दी तो शहर से बाहर, जिस शहर शहर से थोड़ा सा बाहर रोड के किनारे एक छोटा मोटा गुमटी दुकान लगाया है, जहां पर दैनिक यूज का सामान, रोजमर्रा का सामान रखे हैं और टूथपेस्ट, टूथब्रश इत्यादि, और शीशे का एक जार आता है, बयाम जिसको बोलते हैं, इस आकार का होता है, आप लोग देखे होंगे। उसमें ये लोग जो है अपने हाथ से बना हुआ मुरब्बा, मुरब्बा है वो चीनी का मीठा टाइप का बनता है, वो रखे हैं बेचने के लिए। और मिठाई के दुकान में गए होंगे, देखिएगा कि मिठाई के ऊपर चांदी और का कागज, अथवा चांदी रंग का कागज या फिर सोने रंग का कागज पन्नी उस पर लपेटा रहता है, तो वो भी उस मुरब्बे में लपेट दिया गया है। और टोकरी रखा हुआ आगे, उसमें जंगली बेल तोड़ के लाया है, वो भी बेचने के लिए लोग रखे हैं। और पान वगैरह भी रखे हैं बेचने के लिए। और तिरंगा वरंगा लटका दिए हैं, तिरंगा मत, तिरंगा झंडा मत समझिएगा बच्चों, वो पान गुटका जिसको बोलते हैं, है ना, उसे लटका दिए हैं। यही सब जो है वो बेचने के लिए यहाँ लोग रखे हैं। और रोड के किनारे दुकान लगाए हैं, उसी में ये सब रखे हैं। और दिन भर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कोई गाड़ी यहाँ के रुके और उसका जो गाड़ी का मालिक है उतरे और हमने से कोई सामान खरीदे, और हम लोग सारी पैसा जो है अपने हाथों से महसूस कर सके। लेकिन कोई भी गाड़ी वहां नहीं रुकती है, उन लोगों को लगता है कि हाँ वो अगला गाड़ी आ रहा है, वह रुकेगा, वह रुकेगा, वह रुकेगा, लेकिन वो भी सांस से गुजर जाता है। कोई बहुत ही दयालु किस्म के जो अमीर आदमी है, उसको अगर दया आता है कि लोगों को कुछ दे देना चाहिए, तो गाड़ी पर से उतरता है, गाड़ी रोक करके, और हजार दो हजार दे रहा होता है बिना कुछ उन लोगों का सामान खरीदे, तो वह पैसा भी लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि ये लोग गरीब जरूर हैं लेकिन भिखारी नहीं है। ये लोग खुदार है, आत्मसम्मानी है। इन लोगों का कुछ सामान खरीदिए और खरीदने के बाद जो उसका वाजिब रेट है, ना कम ना अधिक, वो दीजिए, वही पैसा रखते हैं। दान में अगर कुछ दे रहे हैं कि नहीं चलो तुम लोग का सामान नहीं खरीदेंगे, रखो पैसा, वो भी पैसा ये लोग नहीं रखते हैं। लेकिन दिन भर प्रार्थना करते रहते हैं कि कोई गाड़ी आके रुके, कोई गाड़ी आके रुके, लेकिन कोई गाड़ी अब तक रुकती नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि गाड़ी आकर के रुके, हम लोग का सामान बिके, और हम लोग जो है कि अपना जीवन को फिल्मों में जैसे कहानी आगे बढ़ती हैं, वैसे जीवन को आगे हम लोग बढ़ा सकें। लेकिन आज तक कोई गाड़ी नहीं रुकती है, नहीं रुकी है। ये लोग जो गुमटी बनाए हैं, जहाँ पर ये लोग जो दुकान लगाए हैं, वहाँ आसपास पहाड़ वहाड़ है, प्राकृतिक दृश्य है। और दुकान के दोनों साइड, जैसे मान के चलिए कि ये दुकान है, दुकान के दो इस साइड और इस साइड, इस साइड लिख दिए एन टर्न राउंड, इस साइड लिख दिए एस टर्न राउंड। एन का मतलब नॉर्थ और साउथ का, एस का मतलब साउथ। तो एन टर्न रॉन्ग, टर्न मतलब मुड़ना, एन टर्न रॉन्ग, रॉन्ग मतलब गलत, और एस टर्न रॉन्ग मतलब कि नॉर्थ भी मुड़ना गलत है, साउथ भी मुड़ना गलत है। जैसे रोड ये आपका दुकान हो गया और रोड इस प्रकार से, तो इसलिए लिख दिए हैं लोग, मतलब अब लिखा कैसे देंगे,
जैसे गुमटी है, दुकान है, तो दुकान को जो है कि कहीं से काला पेंट पाया है कम रेट का, उसको रंग दिए हैं, और सादा पेंट कहीं से बड़ा किए हैं, उसी सादा पेंट से एक तरफ लिख दिए हैं एम टर्न राउंड और दूसरी तरफ लिख दिए एस टर्न राउंड। मतलब कि कोई गाड़ी जब आए तो उसको ये भ्रम ना हो कि इधर मुड़ना है, वो सीधे जाए, और उसको इधर से जब गाड़ी आए तो उसको ये भ्रम ना हो कि इधर मुड़ना है, वो सीधे जाए, इसलिए सब किए हैं लोग। और ये लोग जो हैं इस प्रकार से बैठ करके दुकान में और सामान को बेचने का काम कर रहे हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन कोई भी गाड़ी आके यहाँ पर नहीं रुकती है। कभी कभार कोई कोई गाड़ी, हजारों गाड़ियाँ चल जाती हैं, हजारों स्वार्थी गाड़ियाँ चल जाती हैं, स्वार्थी मतलब गाड़ी स्वार्थी नहीं होता है, लोग उसमें बैठे हैं सो स्वार्थी हैं, तो कभी कभार कोई एक गाड़ी रुक जाता है, तो कोई सामान खरीदने के लिए नहीं रुकता है, बल्कि यह पूछने के लिए रुकता है कि आगे का रास्ता कहाँ गया है। फिर कभी कभार कोई गाड़ी रुक जाती है, तो वह गाड़ी जो है इसलिए रुकती है क्योंकि यह पूछने के लिए कि आप लोगों को अपने हम अपने घर में ले जाएंगे, काम में लगाएंगे, चाहे खेत में काम लगाएंगे, तो एक दिन का कितना लीजिएगा। उसके बाद कभी कभार एक दो गाड़ियां और रुक जाती हैं, तो ये पूछने के लिए कि यहाँ पर तेल मिलता है कि नहीं, गैस मिलता है कि नहीं। तो ये लोग मने मन में गुस्साते हैं उन लोगों पर, पूछने वालों पर, क्योंकि मुंह से तो बोल नहीं सकते हम लोग को, तो मन में ही घुसाते हैं कि देखते नहीं आप लोग, जब यहाँ कोई साइन नहीं है तो आप पूछते क्यों हैं। देखिए बच्चों, जहाँ पर तेल या गैस मिलता है, जैसे कुछ गाड़ियाँ गैस से भी चलती हैं, तो वहाँ पर एक साइन रहता है, पेट्रोल पंप जहाँ होता है एक साइन रहता है कि यहाँ पेट्रोल मिलता है। गाँव में भी देखिएगा कि छोटा सा दुकान में अगर पेट्रोल रखता है तो क्या करता है लोग, बांस में आपका जो पानी का बोतल आता है उसमें रंग डाल करके बांस में लटका देता है और आगे बोर्ड में लिख देता है कि यहाँ पर पेट्रोल मिलता है, ताकि आते आते लोगों को पता चले कि यहाँ पेट्रोल है। तो वही ये लोग जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं वो गुस्सा रहे हैं पूछने वालों पर कि जब यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो आप पूछते क्यों हैं। फिर कभी कभार एक दो गाड़ियां रुक जाती हैं, यह क्यों रुकती हैं भाई? तो यहाँ पर क्या किए हैं ये लोग, दुकान के आगे थोड़ा सा जगह है, तो यहाँ पर पानी उनी फिट करके लोग घास उगा दिए हैं, और बगल में यहाँ पर जो है टेबुल रख दिए हैं, और वो टेबुल जो है बता कि आके आए लोग तो बैठे बैठे, तो गाड़ी जो है वो आती है तो क्या करती है कि कुछ गाड़ियां आती है रुकती हैं, और ये जगह है वो जगह को यूज करते हुए यू टर्न लेने के लिए रुकती है, फिर मुड़ करके चल जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी गाड़ियां तो चली जाती हैं, लेकिन रुकती है सब जो गाड़ियां वो इन लोगों के लिए नहीं रुकती हैं, बल्कि कुछ अन्य रीजन से रुकती हैं। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है बच्चों, ग्रीडी गुड डूअर्स। क्या शब्द प्रयोग हुआ है बच्चों? ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची, गुड मतलब अच्छा, और डूअर्स मतलब करने वाला, मतलब कि अच्छा लालची करने वाले, मतलब अच्छे लालची लोग, कहने का तात्पर्य हुआ कि अच्छे लालची लोग। तो अच्छे लालची लोग कौन है भाई? क्योंकि जो अच्छे होते हैं वो लालची नहीं होते हैं, जो लालची होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। तो अच्छे लालची लोग कौन है? तो अच्छे लालची लोग समाज में वो लोग हैं
जो लोग का समाज में इज्जत है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, लेकिन वो लोग गलत काम करते हैं, जिसका समाज में दो चेहरा होता है। आप घर में ताला लगाते होंगे, बच्चों घर से, जैसे घर से बाहर निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो ताला लगाते हैं। तो ताला किस लगाते हैं, चोर के लिए या फिर ईमानदार के लिए? तो घर में ताला दोनों के लिए नहीं लगता है, क्योंकि जिस दिन चोर चोरी पर उतर आएगा, दिन आपका ताला लगा हुआ है घर में, तो चोर चोरी करके चला जाएगा। ताला लगा हुआ है, चोर चोरी कर लेगा, क्योंकि कहावत है कि चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। केवाला मतलब रजिस्ट्री, काम नहीं करता है। तो घर में ताला चोर के लिए नहीं लगता है, और ईमानदार जो एकदम पैसे की गड्डी पर बैठा दिए, एक पैसा हेल्प कर नहीं करेगा, हम समझते हैं ताला उसके लिए भी नहीं लगता है। तो ताला लगता है किसके लिए घर में? तो ताला लगता है इन्हीं ग्रीडी गुड डूअर्स, अच्छे लालची लोगों के लिए। जैसे समाज में डॉक्टर वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, पुजारी वर्ग है, नेता वर्ग है, इंजीनियर वर्ग है, ये ऐसा वर्ग है जो कि समाज में इसका इज्जत होता है, नाम होता है, प्रतिष्ठा होता है। लेकिन अगर घर में ताला ना लगा हो और घर उसके ऐसे घर से आपके घर से कोई ऐसा कोई व्यक्ति गुजर रहे हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो कहीं उसके मन में अगर आ गया कि कुछ चोरी करके हम निकले इसके घर से, ताला नहीं लगा रहेगा तो फट से लेगा, फट से निकलते रहेगा। आप देख करके भी उस पर इल्जाम नहीं लगा पाइएगा, क्योंकि जैसे आप इल्जाम लगाइएगा तो समाज के लोग आप ही को डांटेगा, और कह रहे तुम पकड़ा गया है, तुम डॉक्टर साहब पर इल्जाम लगाते हैं, तुम मास्टर साहब पर इल्जाम लगाता है, तुम पुजारी पर इल्जाम लगाता है, तुम नेताजी पर इल्जाम लगा रहा है। तो इस प्रकार तो इसलिए ताला ऐसे लोगों के लगता है, क्योंकि ताला लगा रहेगा तो ताला को तोड़ने में या ताला को काटने में अगर कोई देख लेगा तो इन लोगों के छवि पर आ जाएगा, सब लगा रहे ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं मास्टर साहब, क्या कर रहे हैं इंजीनियर साहब, क्या कर रहे हैं पुजारी जी। इसीलिए ऐसे लोग जो होते हैं जिसका नाम है इज्जत प्रतिष्ठा लेकिन वो गलत काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कवि जो है ग्रीडी गुड वर्स का प्रयोग किए हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी में देखिए कि बड़े बड़े ऑफिसर लोगों को बुलाया जाता है, वीडियो है, डीओ है, एसपी है, डीएसपी है, मुख्य अतिथि के रूप में वो लोग भाषण देते हैं, बच्चों भाइयों बहनों कि बाल मजदूरी नहीं करना चाहिए, बाल मजदूरी जो है देश के लिए कलंक है। लेकिन उसके घर में जाके देखिए उसके घर में काम कौन कर रहा है, तो कोई बच्चा ही घर का काम कर रहा है। मतलब दो मुंह हैं जो बोल बोलते हैं, उनको लिए कभी यहां पर गिडी गुड वर्स का प्रयोग किए, क्योंकि बच्चों को घर में नौकर रखने में बड़ा फायदा होता है। गरीब परिवार के बच्चों को रखने से क्या होता है कि उसे कोई भी काम करवा लीजिए, कोई चांचपुर नहीं करेगा, पैसा बढ़ाने का नहीं बोलेगा, और भागेगा नहीं, क्योंकि वो कहाँ से आया है, दूर दराज गाँव से आया है, उसको पता नहीं कि मेरा कहाँ गाँव है। बड़े लोगों को काम पर रखिएगा तो बोलेगा कि ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, ये काम करेंगे, इतना पैसा लेंगे, ज़्यादा जोर जबरदस्ती की ज़्यादा भाग जाएगा। तो बच्चों को घर में काम करवाना बहुत आसान होता है। तो लोग बोलते बहुत सही तरीके से कि हाँ बाल मजदूरी नहीं करवाना चाहिए, लेकिन आज भी बाल मजदूरी हमारे देश में फल फूल रहा है और लोग करवा रहे हैं। तो देखिए, तो यहां पर जो गिडी गुड वर्स का प्रयोग किए हैं कवि, ऐसे लोग भी रोड साइड स्टैंड पर आते हैं, अच्छे लालची लोग जो समाज में जिसका नाम है, इज्जत है, पैसा है, और बहला फुसला कर ये रोड साइड स्टैंड वालों को घर अपना ले जाते हैं कि चलिए हम लोग अच्छा रखेंगे, खाना पीना देंगे, हमारे यहाँ काम कीजिए आप।
और ले जा करके जो है बहुत शोषण करते हैं, दिन भर काम करवाते हैं, रात में भी सोने नहीं देते हैं। रात में भी कोई ना कोई काम बता देते हैं कि ये काम करो, दूध गर्म करो, पानी गर्म करो, कुछ नहीं हो रहा तो चलो मेरा पैर दबाओ, और पैर दबाते दबाते कहीं अगर दिन भर काम किया है बेचारा कहीं जुट रहा है तो मालिक देख जाए तो जुटता है, एक रात मारता है बेचारा उधर फेंका जाता है। और अपने दिन भर सोते हैं और इन लोगों को कहते हैं, तो ये लोग जो हैं ग्रीडी कूड वर्ष लोग, यानी कि अच्छे लालची लोग, अपने दिन भर सोते हैं और इन लोगों को सिखाते हैं कि तुम लोगों को कब कब सोना है, यानी कि रोड साइड स्टैंड वालों को बताते हैं कि तुम लोगों को कब कब सोना है। और महीना के अंत में इन लोगों को जो है पैसा भी काट लेते हैं कोई ना कोई गलती बता करके कि तुम उस दिन जो शीशा तोड़ दिया था, गिलास तोड़ दिया था, ये गलत काम किया था, ये सारे जो काम गलत काम किया उसका पैसा काट करके और अपना तिजोरी भरते हैं। और मंथली में जब हिसाब किताब करते हैं अच्छे लालची लोग तो बहुत ही इतराते हैं कि इस महीना मैं इतना पैसा कमाया। अरे खाक पैसा कमाया, ये तो गरीब लोगों का जो है चूस चूस करके तिजोरी भरा। नेता वर्ग के लोग यहां पर आते हैं और वादा करते हैं कि हम तुम लोगों के लिए दुकान की व्यवस्था करेंगे, मकान की व्यवस्था करेंगे, हम लोगों को वोट दे दो। एक बार वोट लेते हैं उसके बाद 5 साल तक जो है नजर नहीं आते हैं, फिर 5 साल में के बाद नजर आते हैं फिर वोट मांगने के लिए। और स्टेज पर चढ़ के भाषण देते हैं कि मैंने इतने गरीबों को दुकान दिया, इतने गरीबों को मकान दिया, लेकिन सारा वो भाषणबाजी में रहता है, वास्तविकता में इन लोगों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कभी स्वयं जो है गरीब है, कभी का जहां घर है, घर का जो खिड़की है वो खोलते ही रोड साइड स्टैंड वाले लोग दिख जाते हैं, तो कभी बचपन से देखते आए हैं कि लोगों का हालात वही बना हुआ है। जैसे खिड़की खोलते हैं देखते हैं कि लोग प्रार्थना करते हुए पाते हैं, कि लोग प्रार्थना करते रहते हैं कि हे भगवान कोई गाड़ी आकर के रुके, कोई गाड़ी आकर के रुके, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रुकती है। आज कभी युवा हो गए हैं और कभी युवा होने के बाद भी जब खिड़की खोल के देखते हैं तो देखते हैं कि हालात वही बना हुआ है, यानी कि रोड साइड स्टैंड वालों की स्थिति कभी के बचपन में जैसा था, आज कभी युवा हो गए हैं तो भी उन लोगों की स्थिति जो है वही बनी हुई है। कभी तो चाहते हैं कि कभी उन लोगों के हालात को देखकर के इतना दुखी हो जाते हैं तो चाहते हैं कि काश मेरे पास कोई जादुई का जादू शक्ति आ जाए या जादू का छड़ी आ जाए कि मैं इसे हाथ घुमाऊं और सभी लोगों का दुख दर्द जो है रोड साइड स्टैंड वालों का ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, कभी की इच्छा ये बचकाना इच्छा है। और कभी चाह करके भी उन लोगों को कुछ दे नहीं सकते हैं क्योंकि कभी भी गरीब है, साथ ही साथ अगर कुछ देना भी चाहेंगे तो वो लोग जो है कि बिना कुछ खरीदे लेंगे भी नहीं,
यानी कि कभी लाचार हैं उन लोग के हालात को बदलने में कुछ नहीं कर सकते उन लोगों के लिए। तो कभी क्या करते हैं कि उन लोगों के पास जाते हैं, उन लोगों के पास बैठते हैं और उन लोगों के लिए कविताएं लिखते हैं। तो बच्चों ये थी कविता की सारांश, इसका क्वेश्चन आंसर इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, इसको लिख लीजिएगा। और 12 के बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा हजारीबाग में ऐसा कहा किया जा रहा है कि 21 सितंबर को जो है कोचिंग इत्यादि खोला जा रहा है। अगर खुल जाता है तो क्लास जो है 21 तारीख से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा और बाकी क्वेश्चन आंसर जो है कि डिस्कशन में तो आपको बता ही दिए। और ये चैनल आपका जो है कि पिक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जो बच्चे 12 के हैं उसको पता नहीं है कि मेरा क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो बच्चे जो है कि पता चल जाएगा उन लोगों को और चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब कभी ऐसा वीडियो बनाए तो आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।